नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पे। अब तक हमने जो स्टिल लाइफ में पढ़ा है वो हमने अभी तक पढ़ा है पेपर डिवीजन, पेपर रखते कैसे हैं, किस साइड को हमारे को शीट को पकड़ना होता है। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि नंबर एक सीट पर, सीट नंबर वन पर, जैसे मैंने आपको बताया था ये अगर मॉडल है तो इसमें फर्स्ट रो में 7 लोग बैठते हैं, 1 2 3 4, जो फोर नंबर बैठता है वो बिल्कुल सामने बैठता है। एक नंबर सीट से हमने देख लिया कि कोई बुक हमारे पास, कोई आर्टिकल जो हमारे पास, कोई आइटम जो रखी हुई है उसको किस तरह से बनाया जाता है। आज हम नंबर चार सीट के ऊपर कोशिश करेंगे कि नंबर चार सीट पे बैठे बैठे हमारे को कोई बुक किस तरह से नजर आती है, हम उसको किस तरह से बनाते हैं अगर वो सीधी रखी हुई है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं सीट नंबर चार, यह सीट नंबर चार के लिए हमारे पास किस तरह से हमारे पास प्लान रहेगा। यह हमारे पास जब सीधी रखी हुई है पुस्तक या हमारे पास बॉक्स रखा हुआ है, कोई भी आइटम रखी हुई है, वो चार गुणे की है तो हमारे पास किस तरह से दिखाई देगी, हमने किस तरह से बनानी है। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको बॉक्स मानिए, ये हमारे पास कप रखा हुआ है। तो मैंने एक रफ डायग्राम बना के रख लिया है कि हमारे पास जो आकृति बनने वाली है ऑलमोस्ट इस तरह की बनेगी। ये साइड लाइन जो है हमारे पास, ये हमने लेनी है, किस तरह से लेनी है। वो पेपर डिवीजन में मैंने बताया था कि नीचे एक्स वाई रेखा किस प्रकार से आती है, ये होती है मेरे पास, एक फास्ट कट प्रीव्यू ले लेते हैं। ये पांचवा भाग होती है इस साइड का, और ये साइड कैसे निर्देशित होती है कि हमारे पास कि इसकी हाइट ज्यादा है आर्टिकल की या इसकी लंबाई ज्यादा है। हाइट ज्यादा है तो हम शीट को इस प्रकार से पकड़ते हैं हाइट में, अब जिसकी लंबाई ज्यादा होती है उसको हम शीट को हम इस प्रकार से पकड़ेंगे। इस चीज का हमारे को सबसे पहले ध्यान रखना। उसके बाद राइट हैंड साइड में हमारे को इस साइड के पांच बराबर भाग करने होते हैं, और एक भाग को हम नीचे एक्स वाई लाइन आधार रेखा के रूप में हम रखते हैं। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट देखना है कि इससे बाहर सबसे बाहर वाली रेखाएं कौन सी है, क्या इसके बाहर भी कोई है, पिछला कोना या दूसरा कोना कोई नजर आ रहा है, कोई चीज है। तो हम देखेंगे कि इससे बाहर हमारे को कोई चीज नजर नहीं आ रही, तो हम पेंसिल लेके इसकी लंबाई यहां से यहां तक नाप लेंगे। ये पेंसिल है, इसकी सहायता से हम नापेंगे, जैसे हमने पीछे कड़ियों में देखा है कि किस तरह से हमने इसका नाप लेना है। नाप लेने के लिए पेंसिल किस प्रकार से रखी जाती है, तीन उंगलियां पीछे की तरफ और ये छोटे वाली उंगली सामने की तरफ, और इसको होल्ड करने के लिए, नहीं तो छूट जाएगी, अंगूठे की सहायता से होल्ड भी करेंगे, और ये माप का मेजरमेंट जो होगा उसको रखने के लिए भी अंगूठे का निशान इस प्रकार से वहां पे पकड़ना होता है। तो हम क्या करते हैं, इसकी लंबाई यहां से यहां तक, कहने का मतलब ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसको हमने नापना है। स्थिति वैसे ही है कि क्या करना है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरफ, हमारी जो दिशा है बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरफ होनी चाहिए, जहां ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की तरफ बैठना है, बिल्कुल सीधे होके और बाजू सीधी, कमर सीधी, और ये पेंसिल है ये भी हमारे पास सीधी होनी चाहिए, इस प्रकार से सीधी होनी चाहिए। ये नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं होनी चाहिए, आगे की तरफ नहीं होनी चाहिए, ना पीछे की तरफ होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, जैसे हमारी चेस्ट है, हमारे शोल्डर्स हैं, उसके लेवल में बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी इस कोने से लेकर दूसरे कोने तक लेंगे, जिस हाथ से नाप रहे हैं उसी साइड वाली आंख खुली रखनी है, दूसरी बंद करनी है। मैं इस ऑब्जेक्ट को ये मानता हूं कि मैंने यहां रखा हुआ है, ये वही ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको टिप को यहां रखूंगा और पेंसिल का अंगूठा जो है लास्ट तक ले जाऊंगा ताकि इसका साइज आ जाए। बनाते हैं, एक आंख बंद है लेफ्ट वाली, राइट वाली आंख खुली है, राइट वाली आंख से देख रहा हूं, ये हमारे पास इतना साइज आ गया। तो हमने क्या करना है, इसको मार्क करना है एक साइड से, लेफ्ट से राइट करो या राइट से लेफ्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं 8 भाग तक ले आया हूं। अब मैं इसकी हाइट देखूंगा कि इसकी हाइट कितनी है, ये
इसकी हाइट कहां से लिखनी है, जो टॉप वाला हिस्सा है, देखिए कप का एक आगे वाला हिस्सा है, एक पीछे वाला हिस्सा है, पीछे वाले हिस्से में मैं इसके टिप को रखूंगा और अंगूठे को खिसकाते हुए इसके बिल्कुल बॉटम तक ले आऊंगा, ये जो बॉक्स दिख रहा है इसके बॉटम तक लाऊंगा। कहने का मतलब टिप को यहां रखूंगा और अंगूठे को खिसकाते हुए यहां तक ले आऊंगा। तो मैं जिस पोजीशन में था, जहां पे था, वहीं से इसका साइज लेना है, ताकि साइज में छोटा बड़ा ना ले लूं, वही अनुपात रहेगा। ये हमारे पास साइज आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बार मैं यहां तक आ गया हूं, तो मैं कोशिश करता हूं 9 बार यहां को भी आगे बढ़ा देता हूं। ये लीजिए 9 यहां पे आ गया। अब इसके बाद कोशिश करनी है हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पेस करने की कोशिश, कवर करने की कोशिश करनी है। मैंने कहा है एटलीस्ट 3/4 ऑफ दिस शीट, इस शीट का जो मेरे पास बोर्ड है, मैं इसको शीट मान के चला हूं, इस शीट का 3/4 भाग, मतलब कि अगर ये 4 भाग है पूरी शीट, तो इसके 3 हिस्से तक हमने इसको यूज करना है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, कितने भाग पे काम कर रहे हैं, 9 भाग पे, ये याद करने के लिए रख देते हैं ऊपर, 9 भाग पे काम कर रहे हैं। उसके बाद जो पोर्शन बचता है उसको हमने 2 बराबर भागों में बांट देना है। बराबर भागों में बांटने के लिए ये निशान लगाया, उधर से भी लगा दिया बराबर। अब इसका भी सेंटर ले लेता हूं, ये आ गया हमारे पास एक भाग, ये आ गया दूसरा भाग। हम एक भाग को यहीं पे रख देंगे और इस दूसरे भाग को उठा के दूसरी तरफ ले आएंगे। ये आ गया हमारे पास यहां पे एक लाइट रेखा, हम इसमें साइड्स में ले लेते हैं, उसी प्रकार से यहां पे भी ये हमने ऊपर से नीचे ले लिया। इसके जो 9 भाग आएंगे वो हमारे पास यहां पे थे, इसको भी मार्क कर देते हैं, इधर से ले जाओ उधर से। ये हमारा सब फ्री हैंड रहेगा, फ्री हैंड से करना है। स्केल इत्यादि हमने ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल यूज नहीं करने, चाहे वो सर्कल है चाहे स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल यूज नहीं करने, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे एग्जामिनेशन में। वैसे भी हमें जो अभ्यास करना है फ्री हैंड चित्रकारी करने का, फ्री हैंड ड्राइंग लगाने का, ताकि हम हमारा हाथ सिद्धस्थ हो सके। तो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद आता है हमारे पास सबसे पहले कि इस बुक की मोटाई लेनी पड़ेगी कि बुक कितनी मोटी है। तो हम एक सॉरी बुक नहीं है, ये हमारे पास बॉक्स है, इस बॉक्स की मोटाई ले लेंगे, यहां से लेकर यहां तक हमने इसकी मोटाई लेनी है। मोटाई लेने के लिए हम पेंसिल का टिप वहां रखेंगे और अंगूठे खिसकाते हुए कहां तक लाएंगे, नीचे तक। हमारे पास जो बॉक्स है ये इतना मोटा आ जाएगा, हमारे से गलती ना हो मोटाई में, तो हम इधर भी निशान लगा लेते हैं, यहां से ले जाइए परे से लाइए, तो ये हमारे पास इस बॉक्स की मोटाई आ गई है। अब हमने देखना है कि ये जो साइड्स हैं, जैसे साइड्स हैं, ये यहां से थोड़ी सी तिरछी लग रही है, यहां से कॉर्नर तक ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा अंदर की तरफ झुकी हुई है। अगर ये अंदर की तरफ झुकी हुई है तो एक कोण बना रही है, एक कोण बना रही है इस तरह का। ये कोण हमारे पास 75 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए, 75 से ऊपर नहीं होना चाहिए, अर्थात ये हमारे पास 45 डिग्री से 75 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा कम होगा तो हमारा क्वेश्चन फिर गड़बड़ हो जाएगा, हमारे देखने में अच्छा नहीं लगेगा ये। तो हमने क्या करना है, तो उसके बीच में एक एंगल ले लेना है और इसकी बुक की मोटाई ले लेनी है। बुक की मोटाई के बाद ये बुक यहां से लेकर यहां तक कितना है, कहने का मतलब यहां से लेकर यहां ये बुक कितनी है, ये थी मोटाई। मोटाई के बाद हमने देखना है पिछले वाला हिस्सा, बॉक्स की मोटाई से पीछे तक कितना है,
तो हम इसकी टिप यहां रखेंगे और अंगूठा खिसकाते हुए यहां तक ले आएंगे। तो हम इसका साइज ले लेते हैं, बैक स्ट्रेट, आर्म स्ट्रेट, टिप को ऊपर रखा है बॉक्स के टॉप सिरे पे और अगले सिरे तक हम इसकी हाइट ले आए। ये हमारे पास इतना है, एक दो तीन चार, चार का डबल कर लेते हैं, चार और ये साढ़े चार। तो ये आगे हमारे पास इसका टॉप आ गया है। अब हमने क्या करना है, जितना तिरछा हमने इस तरफ लिया है उतना ही तिरछा हमने दूसरी तरफ भी ले लेना है, ये पोर्शन। उसके बाद हमने देखना है कि कप कितनी दूरी पर है, यहां से पीछे कितनी दूरी पर है। ठीक है, पेंसिल वैसे स्ट्रेट रखनी है तो हमने क्या करना है, इसके एज से लेकर यहां तक हमने नापना है, यहां से यहां तक कितना है। तो मैं अपनी सहूलियत के लिए मैं वहां बना के रखी है, मैं वहां से नाप ले रहा हूं, क्योंकि अगर यहां लूंगा तो नाप ये लेना मेरे को मुश्किल हो जाएगा। एक दो तीन चार, चार चार आठ, ये अप्रोक्सीमेटली यहां तक आएगा। ये हमारे पास यहां तक कप रखा है, कप यहां से पीछे है, तो इसका साइज ले लेते हैं। कप का साइज कितना है, कप का साइज ले लेते हैं, कप का साइज हम कहां से ले रहे हैं, इस टॉप से लेकर इसके बॉटम तक खड़ा सीधा रखना है। क्या करना है, टिप को, इसके टिप को एंड पे रखना है और अंगूठे को खिसकाते हुए कहां तक लाना है, इसके बॉटम तक लेके आना है। तो एक दो तीन चार, ठीक है, ये हमारे पास चार आ गए, यहां तक चार का डबल ले लो, चार, ये चार का डबल और एक हिस्सा हमारे पास और बच गया, चार चार आठ और एक नौ, मतलब इसकी हाइट ठीक आ रही है। अब इसका सेंटर भी लेना जरूरी है, क्या ये हमारे पास सेंटर में रखा हुआ है, तो ये हमने कोशिश करनी या तो नाप के द्वारा देख लो, तो हमने नाप के द्वारा हमारे को सेंटर नहीं रखा था, तो हमने क्या किया, इसके सेंटर बीचों बीच एक रेखा ले लेनी है, ये सेंटर इसका निकाल लेते हैं, ये आ गया इसका सेंटर, ये हमारे पास इस कप का सेंटर है। तो हमने जितना लेफ्ट में बनाना उतना राइट में भी बना लेना है। इसकी चौड़ाई देख लो कि कितनी चौड़ाई है, इसके टॉप में देख लो यहां से लेकर यहां तक कितना चौड़ा है, इस चीज की चौड़ाई नाप लो, जो इसका चौड़ा वाला हिस्सा या इसकी बॉटम ज्यादा चौड़ा है तो बॉटम को हिस्से को देख लो, अगर बॉटम लगता है कि बॉटम ज्यादा चौड़ा है तो हमने इसके बॉटम को लेना है, जो इसके सबसे ज्यादा चौड़ी चीज होगी वो हमने ले ली है। तो ये हमने यहां से लेकर यहां तक नापना है, तो मैं ऊपर नापने की कोशिश करूंगा, एक दो तीन चार, साढ़े चार। तो जितना लेफ्ट है उतना ही राइट भी होगा, तो हमने ये बना लिया इसका, ये इसके अंदर हमारा क्या बनना है, कप। हम क्या करेंगे, टॉप इसका लगा लेंगे, ये हमारे पास इसका कप का टॉप है। कोशिश करना है कि इसके राउंड्स लेने की कोशिश करनी है, एक ही बार में बनना चाहिए। ये इसका बेस आ गया, अगर आपको बॉटम दिख रहा है तो वो भी देख लीजिए, इसमें सेंटर में है, सेंटर में एक बल पड़ा हुआ है राउंड है अंदर की तरफ, ये हमने इस तरह से ले लेना है। जैसे जैसे हम सिद्धस्थ होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास एक्यूरेसी आती चली जाएगी, जो इसमें फालतू की लाइनें हैं उनको हम मिटा देंगे। ये हमने कप के बीच में भी पीछे वो बॉक्स नहीं दिखेगा। अब जो रफ लाइनें हैं, जो जिनका हमारे पास यूज नहीं है, हम उनको मिटा देंगे। ये भी हमारे को जरूरत नहीं है, ये हमने समझाने के लिए बनाया था आपको कि हमारे को किस तरह से कहां कहां से कौन सा नाप लेना है। ये डॉट्स, कोई भी फालतू की चीज वहां होनी नहीं चाहिए। अब इसकी हैंडल है यहां पे लगा हुआ, इस हैंडल को भी हम बना लेंगे, जो इसकी शेप है ऊपर की तरफ है,
जिस तरह हमारे को आकृति दिख रही है वैसे ही बनाने की कोशिश करनी है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारी जो लाइट है वो इस दिशा से पड़ती है, लेफ्ट हैंड साइड से, ये आपको बता रहा हूं, ये आपको मिटा देना है बाद में। तो लाइट वाला पोर्शन हमारे पास ये वाला रहेगा, यहां पे लाइट रखना होता है, बाकी जगह पे डार्क करना होता है। तो डार्क हमें, और जब लाइट इस दिशा में पड़ती है तो यहां लाइट होगा, यहां पे डार्क होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। जहां लाइट पड़ेगी इस पे पड़ेगी तो यहां लाइट होगा, इसकी जो शैडो होगी, जो इसकी छाया पड़ेगी यहां से, उसका जो एंगल है, इस चीज का एंगल, इस चीज का ध्यान रखना है। ये हमारे पास शैडो का एंगल 75 डिग्री के आसपास होना चाहिए, और वो शैडो हमने दिखानी होती है जितना पोर्शन इसके ऊपर पड़ रही है, हमारे ऊपर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है वही हमने छाया दिखानी होती है, उसके बाहर वाली छाया हमने नहीं दिखानी होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां रखा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर है, तो इसकी छाया सिर्फ इसके ऊपर ही दिखानी है, इस चीज का ध्यान रखना है। और यहां से लाइट पड़ रही है तो ये डार्क होगा, ये वाला पोर्शन थोड़ा लाइट होगा, यहां लाइट पड़ रही है, बुक में टॉप वाले पोर्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है, जब टॉप बना रहे तो ये वाला पोर्शन थोड़ा लाइट रहेगा, तो ये वाला थोड़ा सा हल्का सा इसमें थोड़ा सा इससे ऊपर कलर होता है, थोड़ा सा डार्क होता है, तो ये हमारे पास डार्क होगा, ये वाला भी, तो ये इस तरह से इसकी शेड निकलेगी, गोल चीजों की शेड गोल तरह की आएगी, यहां से भी डार्क होगा, ये हमारे को शेड हम चौक से दिखा नहीं पाएंगे अच्छे से, पर कोशिश फिर जारी रहेगी, हो सकता है नेक्स्ट कभी किसी वीडियोस में हम पेंसिल के द्वारा शेडिंग करना सीखें, सिल्वर में किस तरह की शेडिंग आती है, स्टील में किस तरह की आती है, ग्लास में किस तरह से शेडिंग होती है, ये हमने मिटा लेना, जो रफ वर्क है ये हमने बिल्कुल नहीं रखना है। उम्मीद करता हूं कि ये 4 नंबर सीट से जो सामने की सीट होती है वहां से ऑब्जेक्ट किस तरह दिखाई देता है स्टिल लाइफ में समझ आया होगा। धन्यवाद।